एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी हो रही है शाम, तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी। तो खाटू श्याम जी हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस बार है श्याम बाबा का बर्थडे और बहुत मजा आने वाला है। 4 तारीख का और आज हम 1 तारीख है, तो आज हम जा रहे हैं क्योंकि बहुत भीड़ होगी, इसलिए हम आज ही जा रहे हैं और कल आपको दर्शन कराएंगे खाटू श्याम में जाके। तो बस हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ पे और इंजॉय करने वाले हैं क्योंकि इस टाइम पे श्याम बाबा का बर्थडे 4 तारीख को है। हम जल्दी जा रहे हैं बिकॉज वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है और बहुत मजा आने वाला है। जैसे जैसे होगा ना फुल वीडियो देखो, मजा आ जाएगा देख के। चलो स्टार्ट। श्री श्याम, आज हम सारे जा रहे हैं खाटू धाम। तो आज सभी लोगों को मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, जो जितने भी लोग आए हुए हैं बस में, और हम बस से जा रहे हैं खाटू श्याम। तो यहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं और बहुत ही धमाल होने वाला है इस बार क्योंकि बाबा का जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन तो होने ही वाला है बहुत ज्यादा धमाल। तो मैं दिखा देती हूँ आज कौन कौन जा रहा है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जा रहे हैं खाटू धाम, बाबा का जन्मदिन मनाएंगे। सभी लोग जा रहे हैं। सब लोग जा रहे हैं खाटू धाम, मम्मी भी तो देखो, और राकेश अंकल भी और बहुत सारे लोग पीछे और भी काफी लोग हैं। काफी सारे लोग हमारे साथ पीछे भी जा रहे हैं। अच्छे, बहुत मजा आने वाला है इस बार क्योंकि जब बाबा का जन्मदिन है और बस में है इस टाइम पे। तो यहाँ पे देखो सारे लोग जितने भी है सारे। सभी लोग अभी इस टाइम पे जा रहे हैं खाटू धाम। तो अभी रात में बज रहे हैं, टाइम हो रहा है, आज वॉच भी है, टाइम हो रहा है 12:35 और इस टाइम पे हम लोग आए हुए हैं ओल्ड राव पे। सारे लोग अभी खाना वगैरह खाया हम लोगों ने और खाना वगैरह खा के अब जाएंगे हम लोग आगे की तरफ। अभी खाना ही खाया है सिर्फ, सुबह सुबह सब आगे की तरफ बढ़ेंगे। दिखाती हूँ यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। ओल्ड राव कैसा है देखो, ये ओल्ड राव है, प्योर वेजिटेरियन ओल्ड राव होटल और काफ़ी पुराना है, अच्छा है और सब चीज़ मतलब वैरायटी बहुत अच्छी मिल जाती है इसके ऊपर, खाने वगैरह के लिए जो भी आप चाहो आपको सब मिलता है। सभी लोग हैं, खासी खाने की वैरायटी मिल जाती है, जो मर्जी खाओ जो मर्जी पियो, मज़ा आता है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये कि गंदी शक्ल देखना ज़रूरी है व्लॉग में, दिन ख़राब करना है सबका मुझे, तो इसकी शक्ल देख लो, दिन ख़राब जाएगा। ये मुझसे अच्छी नहीं है। चलो चलो चलते हैं, बस की तरफ जाएंगे। उसके बाद आएगा प्लान जो भी है खाटू वगैरह घूमने का, मज़ेदार दिखाऊंगी फिर मैं, मज़ा आएगा और मज़ा आने वाला है। बर्थडे है इस बार तो श्याम बाबा का, तो मज़ा आ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो अभी हो चुकी है सुबह, सुबह की बज रही है इस टाइम पे 5:14 सुबह की बज रही है और अभी हम लोग आ चुके हैं खाटू श्याम और इधर बहुत ज़्यादा शोर भी हो रहा है और हमने फिर से पालम वाली धर्मशाला में आ चुके हैं अपने और यहाँ पे अच्छे रूम्स भी हैं, काफ़ी अच्छी मतलब व्यवस्था भी है। विश्व मंदिर भी दिख रहा होगा, मैं दिखा देती हूँ। फर्स्ट गुड मॉर्निंग करते हैं यहाँ से, जय श्री कृष्णा जय श्री श्याम। तो ब्लॉग की शुरुआत यहीं से रहेगी हमारी। तो ऊपर से धर्मशाला बहुत अच्छी है। तो बस अब इस साइड आ चुके हैं, मम्मी की सोती हुई शक्ल, तबीयत खराब है मम्मी की इसलिए कमर में दर्द हो रहा है। और मम्मी और चलो मम्मी को भी यहाँ पे आराम करने के लिए छोड़ देते हैं, तक आगे लोग देखो। अब सब लोगों को चाबी मिल रही है एंड देन सब रूम में जा रहे हैं, उसके बाद हमें भी चाबी मिलेगी, हम भी रूम मिलेंगे, जाएंगे दर्शन करने। और बाबा का जन्मदिन है तो दर्शन करने जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। और आज के दिन दर्शन करना तो वैसे ही बहुत पुण्य होता है, तो दर्शन वर्शन करेंगे और फिर दिखाएंगे आपको जैसे जैसा मंदिर वहाँ सजा होगा कि बाबा का जन्मदिन है तो बहुत अच्छा सजाया जाता है मंदिर, दिखाएंगे जैसा जैसा होगा और कितनी भीड़ है कितनी नहीं है सब बताओ, सब कुछ दिखाऊंगी। मुझे लग रहा है क्योंकि भीड़ ज़्यादा है क्योंकि पालम वाली धर्मशाला में आज ग्राउंड फ्लोर पर भी, जिसकी ग्राउंड फ्लोर है ना उसमें भी दरियाँ बिछी हुई हैं, मुझे लग रहा है आज भीड़ ज़्यादा ही होगी। दिखा देती हूँ, यहाँ तो ऐसे नॉर्मल है, पूरे रूम भरे हुए हैं, नीचे भी आप दरियाँ बिछा दी हैं,
क्योंकि भीड़ लग रहा है ज़्यादा ही है, क्योंकि बाबा का जन्मदिन तो होती है। तो बस अब जाएंगे ऊपर की तरफ, सोएंगे वोएंगे, थोड़ा खाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद नहाएंगे एंड देन हम जाएंगे दर्शन करने, फिर दिखाएंगे। देखो मॉर्निंग में कट रहा है बाबा का केक, क्या अच्छा लग रहा है। देखो सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं, मॉर्निंग में केक कट रहा है यहाँ पे। जय श्री कृष्ण। बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है श्याम बाबा का, बहुत ही अमेजिंग तरीके से इतना प्यारा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। मैं जितना दिखा पाऊंगी उतना दिखाऊंगी, बहुत मजा आ रहा है। बाहर इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है, सब कोई जवाब नहीं है, सब पागल हो गए हैं। श्याम बाबा भी मतलब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं डांस में, बहुत मजा आ रहा है। देखो दर्शन करने जा रहे हैं श्याम बाबा के, और बहुत अच्छा लगेगा, दिखाऊंगी जैसे जैसा होगा वहाँ पे, और जैसे जैसी भीड़ होगी सब दिखाऊंगी। तो पहले चलते हैं, दर्शन वगैरह करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए, अब बस चल रहे हैं यहाँ पे, और सजावट भी यहाँ पे चल रही है। ये देखो सजावट के लिए पूरी बैम्बूज वगैरह लगा दिए हैं। और ये है श्याम बगीची, श्याम बगीची में से अब सीधा सीधा जा रहे हैं, अब यहाँ से श्याम बाबा के दर्शन करेंगे। एंट्री में आ चुके हैं इस साइड से, और अब इस टाइम पर दर्शन कर रहे हैं। मम्मी सारे आ गए हैं यहाँ पे, और अब दर्शन कर रहे हैं। बहुत भीड़ भी नहीं है, आधे लोग इधर से निकाल दिए और फिर आधे लोग इधर से निकाल रहे हैं दूसरे गेट से, ताकि भीड़ कम हो। अब आ गए हम कुछ खाने पीने, खाने पीने आ गए हम, दर्शन वगैरह करके आ चुके हैं, अब खाने पीने आ चुके हैं, तो बस अब खा पी के फिर आ जाएंगे। तो हम मार्केट में आए हैं, और मार्केट में देखिए जन्मदिन के अवसर पर कितनी भीड़ है। वैसे भी खाटू में हमेशा आते हैं तो भीड़। मुझे भुजिया बना दिया है, देखो ये हमारा भुजिया है, सारा सामान लदवा देंगे अब इससे। और यहाँ देखिए लोग निशान लेने के पैदल भी आ रहे हैं रिंगस से। और यहाँ की मार्केट देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो बाबा का जन्मदिन है तीन दिन बाद, अब तो तीन ही दिन रह गए हैं, और सजावट चल रही है। बाकी मंदिरों में सजावट हो चुकी है काफ़ी हद तक, मंदिर के अंदर तक तो नहीं दिखा पाए हम आपको, क्योंकि मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है। लोग मैगी वगैरह खाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा मैगी वगैरह खाएंगे उसके बाद आगे जाएंगे। दिखा तो क्यों, यहाँ बन रही है हमारी मैगी, तो बस मैगी खाएंगे। और मम्मी बैठी हुई है, और कृष्णा पापा भी, सब लोग यहाँ मैगी वगैरह, मैगी और चाय बनवाई है अंकल से, तो वही खाएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे धर्मशाला की ओर जाएंगे। फिर वहाँ पे भी खाना तैयार हो गया है, फिर खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड देन दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो अब हम खा रहे हैं मैगी, और मैगी स्टॉल यहाँ से मैगी बनवाई हमने, ये है टी स्टॉल मैगी स्टॉल, हमारी मैगी आ चुकी है, यहाँ खुशी आ रही है। मैगी कैसी है, मैगी इसको कैसी है, मैगी बहुत बढ़िया है। और यहाँ सब बातें कर रहे हैं, और चाय भी आने वाली है हमारी,
और यहाँ देखिए बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बाकी धूप निकल रही है। यहाँ बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, अपनी दिल्ली में कितनी पॉल्यूशन है, और यहाँ देखिए कितनी खिलती हुई धूप और इतना साफ सुथरा मौसम है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। वहाँ तो आँखों में जलन हो रही है हमारे दिल्ली में इतने पॉल्यूशन की वजह से, और यहाँ का मौसम खुली सांस लेने को मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ मैं भी बैठी हूँ और देखती हूँ, हम भी हमारी चाय, तो चाय पीते आ चुकी है, चाय हमारी चाय भी आ चुकी है। तो हम जा रहे हैं धर्मशाला की तरफ, और दर्शन कर चुके हैं हम लोग और चाय वाय पी चुके हैं, और धर्मशाला में भंडारा, और भंडारा तो होगा फिर आपको दिखाएंगे भंडारे में क्या क्या हम बनवा रहे हैं और क्या क्या बनेगा। और यहाँ देखिए वहाँ से गाड़ियाँ रोक दी जा रही है, लेकिन हम लोग घूम फिर के अंदर आ ही चुके हैं धर्मशाला तक। गाड़ी है वहाँ, बैरिकेड लगा रखा है, और खाटो में आए तो अंकल हमें ये देखो ये कितने सुंदर अच्छा वो बजा रहे हैं। कितना अच्छा बजा रहे हैं, तो अब निकल रहा है लकी ड्रॉ, देखते हैं किसका निकलता है। अभिषेक यादव की निकली है पर्ची, इधर फेस कराओ अभिषेक यादव की पर्ची, अपनी घरवाली को बारवाली को सबको बुला लो। ये गिफ्ट निकला है इनका, अभिषेक यादव, अभिषेक यादव का गिफ्ट निकला है, अभिषेक जी का निकला है, ये लो दे दो। और YouTube पे सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो आपको YouTube पे मिलेगी, लिया मैंने ऐसे भैया से, ये वीडियो आपको YouTube पे देखने को मिलेगी, गुप्ता बनिया ब्लॉग। आशीर्वाद होटल, थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे उसके बाद हम फिर आगे की तरफ जाएंगे। देखो दिखाते हो, लोग बैठे हुए हैं आशीर्वाद रेस्टोरेंट में, सब खाएंगे उसके बाद जाएंगे आगे। बहुत मस्ती करी है, बहुत ज़्यादा डांस किया, मज़े किए, सब कुछ वहाँ पर देखो मज़ा आने वाला है। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, दिखते आते हैं वहाँ पर पता लग जाता है, बहुत ही मज़ा आता है, डांस वांस करते हुए आए हैं, मज़ा आ गया। और ये देखो ये आ गई हमारी थाली, थाली मंगा लिया, पापा खा रहा है, कृष्णा भी खा रहा है, मैं भी खाऊंगी। राव में वो खड़े थे कौन खड़े थे बॉडीगार्ड हमारे,
बॉडी गार्ड करते कितना खाएंगे, देख रहे थे कितना खाएंगे। हाँ हम यहाँ पे तो कैमरा लेके खड़ी है राव में, यहाँ बॉडी गार्ड देख रहा था मैं हम कितना खा रहे हैं। हमने खाए गिनती के एक ही खाना, एक ही रोटी खाई होगी, उसमें भी वो देख रहा था मैं, तो हमारे गले से रोटी नहीं उतरी। अब मैं कैमरा लेके बैठ गई तो अब इनके गले से रोटी नहीं उतरने दूंगी मैं। सूंघ रहा है, खा रहा है, नमक डाल दे पापा नजारे में। ये देखो काम खराब करने के लिए तो इसको बुलाओ, इसको देख रहे हो, इसको बुलाओ। क्या है मिस्सी रोटी, मुझे सबसे बेकार ये लगती है, वही मंगाई है। ठीक है खा लेंगे, खा के फिर निकलेंगे। देखो चुपती जल्दी सब लोग, और भी और जितने भी लोग आए हैं देखो, ये बैठे हुए हैं हमारे साथ में यहाँ पे होटल, सब खाना खा रहे हैं। खाना यहाँ का अच्छा होता है, आशीर्वाद का सारा बढ़िया होता है खाना। खाटू से अभी आ चुकी हूँ मैं और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने बाबा के बर्थडे में, श्याम बाबा के बर्थडे में बहुत इंजॉय हुआ। तो फटाफट से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट कर दो। बहुत नींद आ रही है, इस टाइम पर बज रहा है हमारे टाइम हो रहा है एक बज रहा है, सो जा रहे हैं, फटाफट से सो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं बिल्कुल ही। फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी नेक्स्ट वीडियो के लिए फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए जो लोग वीडियोज़ में न्यू हैं। सो बाय।